आज की कहानी है दवंगी की, जिसको डर ने पकड़ लिया था। बेचारी दवंगी को ये भी नहीं पता था कि वो डर उसी के पीछे क्यों पड़ गया था। पश्चिम बंगाल भारत देश का एक पूर्वी राज्य है। ये राज्य विश्व का सातवां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। कोलकाता इस राज्य की राजधानी है। आज की हमारी कहानी बंगाल के एक शहर में घटी थी। ये कहानी है देवांगी की। अरे देवांगी बेटा, देवजीत बाबू का जवाब आया है, उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। जिसको एक भले लड़के ने अपनी होने वाली पत्नी के रूप में स्वीकारा और इस खुशखबरी के साथ देवांगी की जिंदगी में ऐसा खौफनाक तूफान आया जिसने भोली भाली देवांगी के जीवन को झिझोड़ कर रख दिया। देवांगी दी, ओ देवांगी दी, दरवाजा खोलो। अरे घर का कल्पिता काकी, सुखी भाभी, आइए ना। उत्पल दादा, इतनी सुबह सुबह, आशुन आशुन आशुन। अरे हम लोगों ने तो कुछ नाश्ता, अरे नाश्ता वास्ता छोड़िए सुचित्रा बहन, हम आपको एक खबर देने आए हैं, है ना बेटा? कल्पिता दी, आओ ना, अंदर आओ ना, आओ आओ। माँ आशो, चलो। देवांगी दी, मैं बहुत 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 खुश हूँ। बता तो सही, बात क्या है? बोलो ना माँ। हाँ हाँ बेटा, देवांगी देवजीत बाबू का जवाब आया है, उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। अरे सुचित्रा बहन, तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी चिंता दूर हुई। धन्यवाद उत्पल दादा, इनके गुजरने के बाद आप लोगों का बहुत मेहरबानी है हम पर। आपने अपनी बेटी गौरिता के साथ साथ देवांगी को भी देवोचित बाबू के सामने ब्याह के लिए दिखाया। अरे सुचित्रा बहन, उसमें मेहरबानी और धन्यवाद कैसा? जब देवांगी के बाबा को मैं अपना दादा मानता था, तो ये भी मेरी बेटी हुई ना। और देखो, देवजीत बाबू ने भी गौरिता को नहीं, देवांगी को पसंद किया है। सही तो है बाबा, देवांगी दीदी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी तो है, और वैसे भी इनकी और देवोजीत बाबू की जोड़ी ज्यादा अच्छी है ना माँ? अब मेरी देवांगी को किसी की नजर ना लगे, और इसीलिए मैंने इसके लिए कल जोलपाड़ा रखा है। कल आप दोनों जोलपाड़ा के लिए पहुंच जाना, और हाँ, देवजीत बाबू जल्द ही ब्याह की तारीख पक्की करने आ रहे हैं। Chamunda Swaha.
कौन है? कौन है माँ? चित्रा दी, क्या बात है? अचानक देवांगी को क्या हो गया? क्या बताऊं दादा, मुझे तो देवांगी की चिंता हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सहमी सहमी सी रहती है, बहुत चुप चुप सी रहती है। रात भर सोई नहीं। की होए छे ओके दी, सोमोश तो रात्रि पूरे सपने देखती रही। क्या बुरे सपने? हाँ दादा, कुछ ही दिनों से यही सब चल रहा है और कल रात तो बहुत बढ़ गया था। दादा, मैं बहुत डर गई हूँ। काकी माँ, देवांगी दीदी को था है? दी दी की होए छे? अब ठीक है ना? अमी अनंत कुमारी, अमार विवाह संभव ना। जो ऐसा नहीं बोलते। देवांगी, तुम ये सब सोचना बंद करो बेटा। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें और कुछ नहीं है इस घर में। और फिर कल तो देवजीत बाबू आ रहे हैं विवाह की तारीख पक्की करने। अरे कल्पिता, तुम वो साड़ी लाया था ना देवांगी के लिए, जरा बताओ इसे। हाँ हाँ, देखो कितना सुंदर साड़ी है तुम्हारे लिए। देवांगी उस औरत वाली इंसिडेंट से पूरी तरह डर चुकी थी। कल्पिता ने उसे देवजीत के सामने पहनने के लिए साड़ी दी थी, पर देवांगी को डर लगा हुआ था और वो डर सच निकला। पहले बार नहीं होगा, ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पे बड़े भाई के गुजर जाने के बाद
भाभी का ब्याह उसके देवर के साथ करवा लिया जाता है। हम पंचों को इस बात को फैसला ना मान के इसे सलाह मान लिया जाए। इस ब्याह में देवांगी माँ, वो औरत अभी भी किचन में गई है माँ, वो फिर से आ गई। क्या हुआ बेटा? वो औरत फिर से आ गई माँ, वो अभी भी किचन में गई है। भूखा भूखा कुत्ता बोलिश ना देवांगी, कोई नहीं है बेटा, लाइट गई है, चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, मैं हूँ ना, आ मेरे साथ आ, मैं देखती हूँ बेटा, आ जा, आ, कोई नहीं है बेटा, आ जा, आ जा, कोई भी नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है। नहीं माँ, वो अभी भी अंदर है माँ। बेटा देख, कोई भी नहीं है, मैं हूँ ना, तू डर मत, आ मेरे साथ ही आ, देख कोई है उधर? कोई भी नहीं है बेटा, देख आ इधर आ। नहीं माँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी माँ, प्लीज। बेटा डर मत, मैं हूँ ना, तुझे क्यों डर लग रहा है? नहीं माँ, वो अंदर नहीं है। देख मैं बोल रही हूँ, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू आ, आ मैं, तू यही रुक, मैं आती हूँ, ठीक है? तू रुक, तू रुक ना बेटा। देखा देवांगी, अंदर कोई भी नहीं है। मैंने बोला था ना, देख कोई भी नहीं है, तो बेकार में डर रही है बेटा, कोई भी नहीं है। मैं खुद अंदर जाके देख के आई हूँ। जा तू अपने कमरे में आराम कर, ठीक है? माँ, पर मैंने... बेटा देख, मैं खुद जाके देख के आई हूँ ना, तू अंदर आराम कर बेटा, बोला ना। जा मैं काम करके आती हूँ, ठीक है? जुड़े तंत्र मंत्र और काले जादू के खौफनाक रहस्य। इन बातों को साइंस प्रूव नहीं करती, पर हमने कितने किस्से सुने हैं जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं। रविवार रात 11 बजे भूत आया मैं, पूरे मार्च तक सोनी टीवी पर। अगले हफ्ते देखिए काले जादू के साए में एक छोटे से शहर की कहानी, जहां बिना किसी चोट या बीमारी के बच्चे अपना दम तोड़ रहे हैं। क्या राज है इन भयानक घटनाओं के पीछे, पता करिए रामनगर की इस दहशत भरी कहानी में।
देवांगी इतना की पोड़ी चीज अमी अनंत तो एक नारी में मेरा ब्याह कभी नहीं हो सकता। देवजीत देवांगी के इस बिहेवियर की वजह जानना चाहता था। उसको नहीं पता था कि उसका जवाब उसके होश उड़ा देगा। तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? वही देवजीत बाबा, मेरा विवाह नहीं हो सकता। और कुछ तो वजह होगी। वजह मैं आपको नहीं बता सकती, मैं मजबूर हूँ। पर क्यों? क्या फर्क पड़ता, आप मुझे पागल समझेंगे। तो तुम मुझे बाकी लोगों जैसा समझती हो? मुझे भूत दिखाई देती है और उसने मुझसे कहा है कि मेरे भाग्य में विवाह नहीं है। की बोझे? और उसने ये भी कहा है कि अगर मैंने विवाह की चेष्टा भी की तो वो मेरे जीवन को नरक बना देगी। देवांगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो फिर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। Thank you.
माँ। तुम्ही अनंत कुमारी, तुम्हारा संभव ना। उत्पल ने उस प्रॉब्लम का एक सलूशन निकाला, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ समय बाद एक ऐसा राज सामने आएगा जो सबको शॉक कर देगा। ऐसा राज जो जोलपुरा के साथ जुड़ा हुआ था। मेरी बेटी हमेशा बोलती रही पर हम यकीन नहीं करते थे, पर जब से मेरे साथ पुत्री पर शैतान का साया है जो इसका जीवन भंग कर देगी। पुत्री, ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? ये सब उसी दिन से हो रहा है जिस दिन देवांगी का जोलपोड़ा उत्पल दादा के घर में हुआ था। पुत्री, एक टली मुंह उठाओ। और इस पात्रों में डालो। हाथ बाहर निकालो। खोलो। किसी ने इस पर काला जोलपोड़ा किया है। काला जोलपोड़ा? पर वो तो कोलपिता देखने। क्यों किया तुमने? मुझे क्षमा कीजिए। मैं चाहती थी कि बाबू का बीए गौरिता के साथ हो। पुत्री के प्रेम में अंधी हो गई थी मैं। देवांगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि इतनी खतरनाक आत्मा उसे पकड़ लेगी। देवांगी, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो मुझे। पंडित जी, लेकिन अब हम क्या करें? अब नित्या कुवारी से देवांगी को कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है? इसकी गंभीरता को समझने के लिए मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। तुमको ये पुत्री से विवाह करने का इच्छा है? जी पंडित जी। भालो, तो कल रात तुम दोनों विवाह की पोशाक में तैयार रहना। जब देवजीत ने देवांगी को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट किया, तब उन्हें नहीं पता था कि ये खुशी खौफ में बदल जाएगी। नमस्ते पंडित जी। घर के अंदर हम सिर्फ तीनों ही रहेंगे। आप सब इधर ही रुकिए। पंडित जी, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? मुझ पे भरोसा रखिए।
अब मैं पूजा शुरू करने वाला हूं। हो सकता है वो तुम दोनों पर वार करे, पर तुम दोनों घबराना मत। ओम हिं 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 यमुनाय चमुनाय नमः। ओम हिं 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 यमुनाय चमुनाय नमः। गई है ओम हिं 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 यमुनाय चमुनाय नमः। 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 ॐ हिं 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 यमुनाय चमुनाय नमः। ॐ हिं 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 यमुनाय चमुनाय नमः। अब जल्दी इसकी मांग में सिंदूर भरो। देवांगी, देवांगी तो तुम ठीक तो हो ना बेटा? देवांगी, जल एक ऐसा तत्व है जो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। आज साइंस भी इस बात को मानती है कि जल अपने अंदर किसी की कॉन्शियसनेस, किसी की फीलिंग एब्जॉर्ब कर सकता है। जलपोड़ा सदियों से चली आ रही बंगाल की एक प्रथा है, जिसमें अब काले जादू के इस्तेमाल से जल को अभिमंत्रित करके किसी भी अच्छे या बुरे काम के लिए अब लोग इसे इस्तेमाल करने लगे हैं। कभी कभी हम किसी रीति रिवाज में अपनों को खुश करने के लिए शामिल हो जाते हैं। देवांगी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो बेचारी नहीं जानती थी कि जोलपोड़ा की रस्म में शामिल होना उसके लिए एक नासूर बन जाएगा।
उसकी अपनी काकी ने ही उस पर जादू टोना करवा दिया, जो देवोजीत की चाहत, उसके काका के प्यार और हिम्मत से दूर हुआ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.